तो आपको जब वो लड़की उसको पसंद करती थी, आपने खुद क्यों नहीं शादी कर दी उन दोनों की? पंचाल धार वाला कितने में धारा तुम्हारे तलवार को? तो तुमने 20 साल में इतने पत्नी के साथ, 20 साल शादी के हो गए, 3-4 बच्चे हो गए तुम्हारे, तुम्हें थोड़ा ये नहीं लगा कि इनको इनपे कैसे हमला कर सकता हूँ मैं? गलती है, तलवार चला रहे हो, भांग रहे हो, गलती से 4-4 5-5 चोटें लगी हैं सबको, और गलती से होगा वो। गलती से एक चोट लग सकती है, गलती से 2 चोट लग सकती है। तुम्हें तस्वीर देखी है उन लोगों की? लहूलुहान कर दिया है तुमने। 4 बच्चे तुम्हारे, 3 बच्चे तड़प रहे हैं, वो पत्नी तड़प रही, कोई दिया होगा? तुम बहुत बड़े कपड़ा काम कर रहे हो, थाने आ गया। कितने बार वार किया बच्चों के ऊपर? करते रहे 8-10 बार, सुनो 8-10 बार। गलती से एक, गलती दो, गलती तीन, गलती चार, गलती 5, 6, 7, 8, एक को 8-10 मारे हो, 4 आदमी है, 40 बार हमला किए होगे। नाम है तुम्हारा? राय अमरदेव राव। राय कब से हो यार छत्तीसगढ़ में, कुर्सीपार में? 2004 से 2004 से रह रहे हो। बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? छपरा। छपरा जिले के हो। यहाँ क्या काम करते थे? ट्रेलर गाड़ी है मेरा, टेलर चलाता हूँ। चलाते हो? कितना ट्रेलर है? एक ही है। एक ट्रेलर है। कब से चला रहे हो ट्रेलर? टेलर मैं मतलब के 98 से चला, 98 से चला रहे हो, अपना खरीदा हुआ ट्रेलर है। अभी लिया हम 4 महीने पहले। 4 महीने पहले लिए हो। कितने का लियो ट्रेलर? 10 लाख। 10 लाख का ट्रेलर लियो। लोन पे लियो सीधा लियो? नहीं, लोन पे। लोन पे लियो। कितना लोन लियो? 8 लाख। 8 लाख रुपए लोन लियो। ये घटना क्या हुई, कैसे हुई ये घटना बताओ? और इतने 3 बच्चियों के ऊपर और पत्नी के ऊपर हमला, इसके सोच कब से आ रहे थे? कितने महीने से सोच आ रहे थे कि इनको खत्म करना है? नहीं सर, महीने से सोच नहीं तो है मेरे पे, मतलब कि अभी गुजरात जा रहा था हमने आगे, तो लड़की मेरा गुजरात से मतलब वापस कब? हाँ गुजरात से, गुजरात जा रहे थे, तो क्या हुआ बताओ? तो उस समय मतलब के फोन करके बोले मैंने कि बच्चे लोग की दीदी आई है करके, मेरे को मतलब के इस चीज का गुस्सा था कि मतलब क्यों गुस्सा था दीदी के ऊपर? भाग वो मतलब भाग गई कि भाग के शादी कर भाग के शादी की। कब लिया। की थी भाग के शादी? एक साल पहले। एक साल पहले किसके साथ? वो अभिषेक नाम का लड़का है मैंने उसका घर नहीं देखा, हमारे 4 लाइन पीछे घर है। तो आपको जब वो लड़की उसको पसंद करती थी, आपने खुद क्यों नहीं शादी कर दी उन दोनों की? वो मतलब हम उस समय मतलब के बोलने गए ये बात को मैंने आके, हम नहीं हमारे परिवार ही गए, हम तो गुस्से में नहीं गए, वो नहीं आई मैंने आके, तो हाँ नहीं आई लड़की, लड़की घर नहीं हाँ आई, नहीं आई। उसी और लड़के से उसके आप लोग ही क्यों नहीं शादी कर हम दी? लोग बोले सर मैंने आगे कि मतलब घर चलो और तरीके से शादी कर देंगे मैंने आगे, तो लोग मतलब उसके घर वाले भी आने नहीं दिए और आई भी नहीं मैंने आगे, क्योंकि लोग ये सोच रहा था कि ले जाकर मार देंगे मैंने आगे, ले जाके मार क्यों देंगे? मारना होता तो शादी क्यों करते हो? हाँ तो वो लोग ये सोच था उन लोगों का ना कि इसलिए वो लोग आने नहीं दिया हमारे घर। ओ, उनको ये लगा कि लड़की को वापस करेंगे तो आप हत्या कर दोगे, मतलब आपके गुसायल किस्म के बारे में लोग पहले से दहशत थी सब में कि आप कुछ कर सकते हो ऐसा? उसके घर से तो लगावे नहीं था तो कैसे पता चलेगा हम क्या हैं, बाकी मोहल्ले में तो आप सर मतलब कि बता ही रहे होंगे ना कि हम गुसायल हैं कि क्या है। मोहल्ले वाले क्या, मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं आपके बारे में? तो अपना कैसे हम बोले, मैंने अपना ट्रैफिक हमारा तो किसी से आज तक झगड़ा नहीं हुआ, आज तक मतलब झगड़ा नहीं हुआ। तो ये तलवार कहाँ से लाए? ये सर मैं गाड़ी में रखने के लिए लाया था 8 साल पहले यहाँ 8 साल पुरानी तलवार है? हाँ, तो चाची झारखंड से लाया थी टीपू सुल्तान। 8 साल, सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। ये जो 8 साल की जो तुम्हारी तलवार है, 8 साल की, तो इसमें धार वार करते थे कभी? तो 8 साल में तो वो पूरा वो ब्लंट हो जाएगा वो तो। सर इसको 3-4 दिन पहले कराया था, 3-4 दिन पहले कराए थे? कहाँ जाके कराए थे? छावनी चौक में। छावनी चौक में। कौन दुकान वाला है ये जो धार किया है तलवार में? धार है वहाँ पंचाल, हाँ पंचाल धार वाला है, पंचाल धार वाला, तो उसका काम ही यही है धार देना। तो ये पंचाल धार वाला कितने में धारा तुम्हारे तलवार को? 500 रुपये 500 रुपये लिया। 500 में 4 जिंदगी खत्म हो गई। कितना टाइम लगाया धार बनाने में? 4 घंटे। 4 घंटे? वो पूछा नहीं उसने क्यों धार बना रहे हो इस तलवार में? पूछा नहीं, बना दिया धार, लेके आए धार, लेके कहाँ छिपा के रखे इसको? मेरे बेड के नीचे था। बेड के नीचे रखे। तो रात में सोने का समय होता है, अचानक तुम्हारी 4 बजे कैसे नींद खुली तलवार उठाने की? कल रात में सोए थे? हाँ सोया था सर, मैं 2 घंटा सोया था, कितने बजे से कितने बजे तक सोए? 10 बजे के बाद ही सोया था। 10 बजे के बाद सोए। उठे कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे उठने के बाद क्या किए? बच्चे तो सोए होंगे, बाकी परिवार वाले? तो 1:30 बजे उठते ही तुम्हें दिमाग में कैसे आया कि बार धार करनी है?
ये हमको 3-4 दिन पहले से मना कर था। 3-4 दिन से मन बना लिए थे। क्या मन बनाए थे? मारना है। किस किस को मारना है? एक ही को, बड़ी लड़की को। तो एक बड़ी लड़की को मारना है तो बाकी तीन को क्यों मारे? वो तो सब पहले आ गए, एक बार हावी हो गए मेरे ऊपर, मैंने आगे सब के सब। और तुम हमला करोगे एक लड़की के ऊपर, बाकी बचाने नहीं आएंगे? तुम तो हो बिल्कुल, तुम्हें तो कोई मोह ममता नहीं है। बाकी लोग तो बच्चों को बचाएंगे ना, बाकी बहनों को बचाएंगे, वो अपनी बेटियों को बचाएंगी। तुम्हें एक बार भी ये नहीं लगा कि ये सब बच्चियां हैं, इनके ऊपर कैसे हमला करूंगा मैं? कभी मन में नहीं आई ये बात? इधर देखो, कभी मन में नहीं आया कि बच्चे हैं छोटे छोटे? कितने साल के बच्चे हैं तीनों लड़कियां तुम्हारी? 22 साल के 18 साल के और 16 साल। तुम्हें लगा नहीं कि 22 साल 18 साल 16 साल इनके ऊपर तलवार से हमला कर रहा हूँ जो धर्म पर? कितने साल से शादी हुई है तुम्हारी? 2001 में हुआ था। 1 में हुआ, तुरंत बच्चे इतने सारे हो गए तुम्हें? 22 साल 21 साल तो हुआ है शादी के? 21 साल की 20 साल की 20 21 साल। तो तुमने 20 साल में इतने पत्नी के साथ, 20 साल शादी के हो गए, 3-4 बच्चे हो गए तुम्हारे, तुम्हें थोड़ा ये नहीं लगा कि इनको इनपे कैसे हमला कर सकता हूँ मैं? तो फिर जबरदस्ती बोले, जबरदस्ती लाएंगे तुमको, हत्या कर दोगे उनकी तुम? बोले हमने आगे नहीं, तुम कुछ भी करोगे हमारा मर्जी करेगा, हम करेंगे। अरे भाई, तुम अलग हो सकते हो, तुम बातचीत बंद कर सकते हो, तुम हत्या कर दोगे सबकी, 4 लोगों की? 4 लोग को नहीं किया ऐसा, गलती से मैंने आगे हो गया। गलती है, तलवार चला रहे हो, भांग रहे हो, गलती से 4-4 5-5 चोटें लगी हैं सबको, वो गलती से होगा? वो गलती से एक चोट लग सकती है, गलती से 2 चोट लग सकती है। तुम्हें तस्वीर देखी है उन लोगों की? लहू लुहान कर दिया है तुमने, तुम्हारा हृदय थोड़ा पिघला नहीं गया कि अपने बच्चों को इस तरह से मार रहे हो? मान लो गलती से होगा तो आदमी फोन लगाएगा हॉस्पिटल को। तुमने फोन लगाया क्या हॉस्पिटल को? किसने बुलाया पुलिस को हॉस्पिटल को? सूचना किसने दी? सबसे पहले पुलिस में मैं ही गया था, वहाँ तो पुलिस में गए। हॉस्पिटल को सूचना कौन दिया? हॉस्पिटल में दिए होंगे वो कोई दिया? 4 बच्चे तुम्हारे, 3 बच्चे तड़प रहे हैं, वो पत्नी तड़प रही, कोई दिया होगा? कोई चला गया डर से, क्या पुलिस पकड़ लेगी? पता है तो कौन था? तुम बहुत बड़े कपड़ा काम कर रहे हो, थाने आ गया। तुम्हें ये नहीं हुआ कि एक बार हॉस्पिटल फोन करके कॉल लगाए 108 में 112 में? 4 लोग तड़प रहे हैं वहां पे, तुम्हें सोचा होगा खत्म हो गए? तुमने यही लगा होगा खत्म हो गए, तभी तो तुम गए थाने में आके ये बता रहे हो 4 लोग मर गए। कोई शर्म नहीं है तुम्हें? कुछ चिल्ला रही होंगी, चीख रही होंगी? कितने बार वार किया बच्चों के ऊपर करते रहे? 8-10 बार। सुनो, 8-10 बार, गलती से 1, गलती 2, गलती 3, गलती 4, गलती 5, 6, 7, 8, 1 को 8-10 मारे हो, 4 आदमी है, 40 बार हमला किए होगे? 30-40 बार गलती से हो सकता है क्या? कैसे आदमी हो तुम? आदमी अपने बच्चों के लिए जीता है, पत्नी के लिए जीता है, तुम मारे जा रहे हो उनको। तुमको अभी क्या लग रहा है? कुछ ग्लानी हो रही है? गलती हुई है? कोई गलती नहीं हुई है। हम गलती मान रहे हैं। क्या गलती मान रहे हो? गलती मान रहे हैं, मैंने आगे गलती से हुआ है, लेकिन बच्चे के लिए हम क्या नहीं किए हैं सर? मैंने आगे वही लड़की, मैंने आगे बीटेक पढ़ाया, फाइनल ईयर बीए कराया हूँ मैंने आगे इंग्लिश मीडियम में, शुरू से हम ही तो पढ़ाते आ रहे हैं। तो काट दो तलवार से, पढ़ाए हो तो नहीं? मतलब सर तो वही बोल रहे, मैंने आगे गलती से हम बच्चों के लिए ही तो जीते थे ना, मैंने आगे गाड़ी घोड़ा किए, सब संपत्ति बनाए, तो किसके लिए? अरे भैया, एक बार को धार किए, 3 दिन तक धार करके रखे, फिर रात के टाइम बच्चे सोए हुए थे, सोए हुए में हमला किया कि जगह में हमला हुआ? तब तुम उठे 3 बजे 1:30 बजे, सब सोए हुए होंगे, सोए हुए जगह बैठे सब? तुम पे हमला सोए हुए में किया कि जगह हुए में किया? नहीं, पहले जगाया, उठाया के, बोल के उठो। हाँ, तो सब उठ गए मैंने आके जरा से। फिर क्या किए तुम? थोड़ा उठा के बांध दिए तलवार अपना? जो चोटें लगी है ना, सब सोए हुए हालत में लगी है, सीधा सीधा लगी है, ऊपर से नीचे वाली चोटें, ऐसे नहीं लगी है? तुमको बेवकूफ समझते हो क्या सबको? नहीं सर, मतलब के सब लोग नीचे थे, मतलब कोई बिस्तर पर नहीं था, सब लोग जग गए थे, मैंने सब नीचे थे। और तो हमला करोगे तो दर्द शुरू हो, भागेंगे ही लोग, इधर उधर बिधर होंगे ही। अदी वो घर में जो खून फैला हुआ है ना, उसी से लग रहा है, कुछ लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है खून, किस तरह से वो भागे होंगे? चलो, एक बार मार दिया, 2 बार मार दिया, तुम्हें लगा नहीं कि रुक जाना चाहिए?
तुम जब इनको छोड़ के पुलिस थाने बाहर निकल गए, तुम्हें एक बार भी यही नहीं लगा कि उनकी क्या हालत होगी उन चारों की? आस पड़ोस वाले फोन लगाए, आस पड़ोस वाले उठ के किए, और तुम्हें कोई मतलब नहीं था। पीछे के दरवाजे से भागा। हाँ, पीछे के दरवाजे से भागा, सामने आवाज बताओ। पिछले दरवाजे भागे हैं बेचारे, ताला खोल के ये भागा है पीछे दरवाजे पे। सुनो भाई, तुम पीछे दरवाजे से क्यों भागे? तुम तो थाने जा रहे थे बता रहे हो मुझे, भागे क्यों पीछे दरवाजे पे ताला खोल के? पीछे दरवाजे से थाने ही पहुंचाना, आगे तो क्या आगे फिर रास्ता नहीं थाने का क्या? नहीं सर, आगे मोहल्ले के पकड़ लेंगे, मोहल्ले वाले धर लेंगे। हाँ, तुम तो सर मोहल्ले वाले हैं, धरेंगे ही तुम्हें। जैसे लोगों को चार लोग के हमला करके भागे हो, तुमको इतनी समझ है उस टाइम? जो आदमी गुस्से में रहेगा वो इतनी समझ होगी उसको कि वो ताले की चाबी लेगा, ताला खोलेगा, फिर पीछे से छिप छिपा के भागेगा। वो जो प्लानिंग के साथ करेगा वही इतना सोच सकता है। समझ में आ रही है बात? जो गुस्से आवेश में करेगा ना, तो वहीं पे 30-40 हमले। बताओ तुम तो हाजी हो, तुमने ऐसे हमला कैसे? अभी भी कोई ग्लानी नहीं है तुम्हें? तुम्हें खुशी है? एक चीज बताओ मुझे, पत्नी और जिस जो शादी की थी वो बच गई है ना? वो तो मारना किसको चाहते थे, जानना भी नहीं चाहता कौन बची है, पूछ जानना भी एक बार भी नहीं पूछा इसने कोई बचा कि कौन बचा। एक चीज बताओ, तुमने अभी इतने देर में कभी पूछा किसी से कौन बचा है, बचे हैं कि नहीं? उनके लिए देखने जाना है मुझे, एक बार मांग की तुमने? तुम्हें तो मतलब ही नहीं है सर। गलती किया हूँ लड़के, तो मैं अब किसे अब पूछूंगा तो बोलेगा कि मतलब लड़के ये भी सोच रहा है कि कौन मर गया बने आके, ये भी तो आदमी मतलब सोच सकता है। तुम्हारा चेहरा देख रहे हो? चेहरा देख के ही ना, मतलब इतने मैंने क्रिमिनल देख लिए 6 महीने में, लेकिन तुम्हारे जैसा निर्दयी आदमी नहीं देखा मैंने। चेहरे पे कोई ग्लानी नहीं है, कोई ग्लानी दिख रही है आपके चेहरे पे? ये 3 बज गए, तुम्हें खुशी है कि उसका दुख है? खुशी है सर, किस चीज का खुश है? बच गए मैंने आगे तो खुशी, बच गए आगे तो तुम्हें तो खत्म ही कर दिया है, तुम्हें तो खत्म। आगे बच गए तो आगे मैं नहीं बोला लड़का सर, मैं बोला बच गए तो ही लड़का। अच्छा ही है ना, हमने जो गलती हुआ मैंने किया मेरे से, तो मेरे को मिलेगा सजा? मैंने सजा तो बेटा मिलेगा ही। हाँ, इसमें मत जाना, तुम्हें तो सजा होगी और लंबी सजा होगी ऐसे लोगों को। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक टाइप के हैं, जो ना मतलब एक नहीं 4-4 लोगों पे लगातार। कितने मिनटों तक हमला हुआ तुम्हारा? ये तो तुम तो हमला करते रहे, कितने मिनटों तक हुआ होगा? 5-7 मिनट। सोचो, इतने धारदार तो बोल रहे हो 5-7 मिनट, कम से कम 15-20 मिनट हुआ होगा। इधर कोई छिप रहा होगा, कोई उधर छिप रहा होगा, कभी इधर हमला कभी उधर हमला, पूरे कमरे में हमला। और जनाब की इतनी प्लानिंग थी कि चाबी पता था कहाँ पे है पीछे वाले का, ताला खोले वहां से चुपचाप निकल गए। सोचे होगे कि पकड़े कहाँ जाएंगे हम? वो तो रातों रात पुलिस ने 4:30 बजे घटना हुई और 5 बजे दबिश दे दी, तब तुम्हारे जैसा मुजरिम हाथ में लगा है। सर पहले थाने हम गए थे अपने से खुद। हाँ, थाने ने क्या बताए थाने जाके? मैं बोला लड़के मैं 3-4 आदमी को मार दिया हूँ, वैसे ये नहीं बोला कि मार दिया हूँ 3-4 आदमी को। हाँ, तो मतलब के साहब पूछे मैंने कौन है वो 3-4 आदमी, हम ही गए थे थाने गए। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए इसके लिए। क्यों भाई, तुम तो वीरता पुरस्कार मेरी जगह आप ही को मिल जाना चाहिए। सर बच्चे को, हाँ बच्चे को क्यों छोड़ दिया? और एक जो लड़का है उसको हमला नहीं किया तुमने? दो बच्चे और से लड़का, इसका बेटा एक पोता है, उन दोनों पे हमला क्यों नहीं? तीनों लड़कियों पे हमला क्यों किया? हाँ बताओ ना। उनको नहीं मारना था, क्यों उनको क्यों नहीं मारना था? इन 3 लड़कियों ने क्या पाप किया था और इन 2 ने नहीं किया? को मारना ही नहीं था, एक ही को मारना। नहीं तूने हमला तो किया बाकी 2 पे, इन पे क्यों नहीं किया? कुछ तो बात होगी ना। हाँ बताओ भाई, ये तो लोग पूछेंगे ही ना। तुमने 3 पे हमला किया, 3 बेटियों के ऊपर। दोनों जो 2 लड़के थे उनकी उम्र कितनी थी? 12 साल, 1 साल। 1 साल पे तो क्या, 1 साल वो बड़ी लड़की का बेटा। हाँ बड़ी लड़की का बेटा, तो 12 साल का लड़का था वो उठा था क्या?
तो वो बचाया नहीं आ रहा था क्या? हाँ, अरे तो भाई जैसे नीच सोच वाले लोगों का तो सबसे पहले किस पे मारा? सबसे पहला हमला किस पे किया बताओ? अरे मुंह खोलो, पहला हमला किस पे किया? पहला हमला परिवार पे किया। अरे परिवार तो सब है, पत्नी 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 पे क्यों भाई हमला किया? मतलब तुम्हें लड़ाई तो बेटी से थी। तो वो आगे थी लड़के ना, ये सब लोग पहले थे, मैंने आगे ये साइड में लड़के नीचे सोए हुए थे मैंने आगे। अरे भैया तो कौन था, तुम्हारा समय खत्म हो रहा था, जो दुनिया ब्रह्मांड खत्म हो रहा है, तुम्हें तुरंत हमला करना है, ऐसा था क्या? तुम्हारे हाथ तलवार था, सब वहाँ पे खाली हाथ थे, किसको बेवकूफ को बनाते हो तुम? बेवकूफ नहीं बना रहे सर, मैंने आगे जो बात है वही बोल रहा। क्या बोल रहे हो? जो मिला के सब लोग जग गए, मैंने आगे तो जो पहले जो आगे मिला ले लेते चले गए तुम। एक तरफ बीवी सो रही है, एक तरफ बड़ी वाली बेटी सो रही है। नीचे ये जानते हुए कि ये जो है ज्योति है और उसके बाद प्रीति है, ज्योति को लात मार के इसने चिल्लाया है। ज्योति जैसी उठी है तो पहला वार उसी पे से शुरू कर दिया है, ये जानते हुए कि ज्योति थी मंजरी वाली। तो यार छोटे उसको आए, तो ये खुद भी जान रहा है उस समय, इसके कमरे की लाइट जली रहती है, उसी के जस्ट बाजू में वो दिखता है, ये खुद ही लात मारा है ज्योति को और फिर पहला हमला ज्योति से शुरू किया। सही है, गलत है? नहीं सर, लड़के नशा भी सही बोल रहा है, मैंने बात सही बोल रहे हैं, बता रहा हूँ ना लड़के, मेरा दरवाजे जो है ना, मैंने आगे यहाँ पर दरवाजा है, यहाँ पर इतना ही दूर खा रहा था, वो ये लोग दोनों पास में सोया हुआ है, वो वहाँ सोया, तो वहाँ जाएंगे मतलब उसके पास में, तब तक तो मतलब ये लोग साइड से मैंने आके मेरे को पकड़ भी सकते। अरे पकड़ लेंगे तुमको, पकड़ लेंगे, तुम्हारा आसमान गिर जाएगा, पकड़ लेंगे तुमको, मतलब मार के ही निकलना है। तो इसी को मार दिए जो रास्ते में थे पहले? हाँ मिलते, ये जब लड़ाई नहीं होती है, सामने सामने की लड़ाई नहीं होती, जो सिपाही दिखता जाए मारते चलो, अंदर घुसते चले जाओ। तो वहाँ पहुँचने के लिए जो मिला उसको मार दिए? हाँ ये तो गुजरात में था, वापस कब आए गुजरात से? संडे को आए और लग गए अपने काम में, तलवार ढूंढे, तलवार गुजरात लेके गए थे क्या? गाड़ी में, घर में रखते थे? घर में रखते थे। किसी ने अप्रोच किया था फिर इस समाज में ऐसी बातें जो ताना वाली नहीं? नहीं नहीं कोई ताना वाली नहीं, वो घर में आके रहने लग गई थी तो ये परेशान था। क्यों भाई परेशान? नहीं मतलब क्या सुनने को बोला? अच्छा नहीं मिलेगा सर, कोई कोई नहीं बोल सकता है क्या? हमने आके कोई सुनाएगा? तुम तो रेप दोगे उसको, रैशनलाइज कर लिया सर, कोई अफसोस नाम की चीज नहीं है। आगे क्या करोगे बताओ? आगे तो बच्चे तुम्हें खत्म कर दिए, पत्नी खत्म मान लो हो गई तुम्हारे, तो आगे क्या करोगे? आगे क्या करोगे? आगे जिंदगी में क्या सोचा है? चलो कुछ दिन तो जेल की सेवाएं लोगे, वहां की सेवाएं समाप्त होंगी, फिर क्या करोगे? कुछ सोचा है आगे के लिए? अभी गैंग वैंग में शामिल हो जाओगे तलवार लेके, ऐसा हो जाएगा? पहले कभी तलवार यूज किया था इससे पहले? रखा था 8 साल से पक्का। अच्छा सर ये, और जो धार कराने गए तो पूछे नहीं होगा जिससे धार करवाए थे, अचानक धार कराने की जरूरत क्यों पड़ गई? सर ये बोल रहा था कि केवल बड़ी बेटी का ही बात को लेकर इसको आक्रोश था कि जो पहले मछली बेटी पे हमला किया, तो मछली बेटी के बारे में कुछ गलत सही सुना था कैसे? नहीं और किसी बेटे का अरे कोई ग्रस्त सुने थे तो सुना था हमने क्या जी? सुना था लेकिन ये उससे मतलब के अब हम ये बात बताएंगे भी मैंने आगे, तो उससे कोई इसका कोई लेना देना नहीं था, ये कांड जितना भी हुआ है बड़ी बेटी के चक्कर, बड़ी बेटी के चक्कर तुमने, बड़ी बेटी के लिए तुमने तीन और को ऐसा कुछ नशा करता है? नहीं ये बाहर ये भी बोल रहा था कि बड़ी बेटी आई है उसमें ज्यादा हाथ मंझली बेटी का ही होगा, वही बुलाई होगी, ठीक है ये अभी जस्ट बाहर बोल रहा था, अभी बता सकता है। और छोटी बेटी को क्यों मारा? अलग अलग तरीके से अपने दिमाग में बैठा लिया। छोटी बेटी पे हमला क्यों किया? क्यों किया बताओ
सब हावी हो गए मेरे ऊपर, हावी हो गए तुम्हारा सोचो रिकॉर्ड हावी हो जाए। सर जिसको मारना चाहते थे उसको छोड़ के दूसरी बेटी की मौत हो गई, उससे अफसोस है या नहीं? हाँ मान लो बच गई तुम्हारी बड़ी बेटी, तो फिर हमला करोगे क्या जेल से निकल के? क्यों उसके चक्कर में तुमने दो छोटी और एक पत्नी को पहुंचा दिया? पहले भी कभी कोई हत्या होते कोई अपराध किया हो क्या? दामाद को मारने का कभी प्रयास नहीं किया? नहीं मेरे को तो मतलब ही नहीं था, मैंने आगे तक क्या प्रयास किया? उससे क्या करना है? तो सर बेटे को छोड़ दिए लेकिन उसका भविष्य क्या होगा बता? बेटे का भविष्य क्या होगा, कौन देखेगा बेटे को? क्या सोचे हो बेटे के बारे में? और एक जो छोटा बच्चा एक साल का हुआ है उसको कौन देखेगा? कुछ सोचा तुमने उन दोनों के बारे में? दिमाग में कुछ गया उन दोनों के बारे में? उन दोनों का क्या होगा? उन दोनों का सोचे कुछ? अरे इधर आओ यार, तुमको जो पूछ रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा क्या? कोई मतलब ही नहीं है उन दोनों से तो तुम्हें। नहीं बेटा है और वो जो छोटा बच्चा हुआ है उस दोनों का कुछ सोचे हो? कोई ग्लानी नहीं है। ये जो घर है ये निजी घर है कि ब्लैक स्टील ब्रांड का घर है? तो बीएसपी का घर है, कब्जे में है या वो है? अलॉटमेंट कैसे हुआ बीएसपी का? लाइसेंस पट्टा जो मिला है लीज पे जो। हाँ छपरा कहाँ के रहने वाले हो? लमरिया गांव। वहाँ कितने भाई है तुम्हारे? भाई हम लोग चार भाई। हाँ बाकी तीन कहाँ है? दो कलकत्ता रहते हैं, एक गांव में रहते हैं। और भी कोई ऐसे हमला हमला किया है क्या भाई तुम्हारा? अकेले हो परिवार में जो अपराध में कूदे हो? तुमको डर नहीं लगा है जेल हो जाएगी, लंबे टाइम जेल रहूंगा मैं, उस बेटी को अपने हाल पे छोड़ दूं, बाकी बच्चों का ध्यान दूं, ये कभी दिमाग में नहीं आया तुम्हारे? सर इन्होंने एक बार खुद को नुकसान पहुंचाया था? नहीं नहीं बताइए कुछ ऐसा है क्या? नहीं नहीं अरे कहाँ भाई, देख रहे हो इसको इतना कर दिया तो ग्लानी नहीं है, तू खुद के नुकसान की बात कर, आपका नुकसान कर देगा ये? भिलाई में कब से रह रहे हैं? 2004 से। 2004 से। सर ये जो बड़ी लड़की किसी शादी हुई तो उसके बाद भी कुछ विवाद किया था क्या लड़की से दामाद से? अब तो बोल रहा है ना कि लड़के वाले जो है वो उसके पास आने से डरते थे लड़की को, मन में रखा था वो बात। अब यार कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं था मतलब, क्योंकि हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं था। हम लोग मतलब जब वो गई मतलब पूरे घर पे भी हमला, मान लो मर गई कि मतलब हमारे लिए खत्म हो गई है, तो मतलब सब सब ठीक है मतलब सब बोल दिए ठीक मतलब, तो हमको वहाँ जाना ही नहीं था, कोई कुछ करने का मतलब नहीं है। वो वापस आई तो तुमने हमला कर दिया। तो दामाद तो अभी आपकी वाइफ का सेवा किया तो ऑपरेशन हुआ था तब? वो मेरे को पता नहीं है, मैं था नहीं ना यार, तभी तो पत्नी ही गुस्सा हो गया कि सब मिल गए हैं। तुम्ही को आप पहले फांसी लगा लेनी था पड़ी है रहते एक मिनट एक मिनट के लिए सोचिए अपने और हाथ पे हाथ उठा से इधर देखो भाई एक आगे। आप शराब पीते हो? ट्रक चलाते हो तो कभी कभार? ट्रक चलाने वाले कभी कभार मतलब हफ्ते में? हफ्ते में महीने में भी? कल भी पिए थे क्या? नहीं अभी तीन चार दिन थे परेशान थे। तीन दिन पहले ऐसा क्या कोई कमेंट हुआ क्या बहुत ही इतना ज्यादा पालने प्लानिंग कर लिया? ऐसा कुछ घटना रही होगी ना, कुछ तो हुआ होगा। जब गुजरात में मालूम चला तुमको कि ये पास से आके रहने लग गई है तो क्रोध वहीं से शुरू हो गया था? मैं वहां से लड़के मेरे को फोन करके बताई मैंने अगर मेरी लड़की पीछे चली गई है, बोला बहुत गलत किया मैंने, ऐसा नहीं करना। तो मन बना लिया था आपने? तो फंडे को पहुंचे तो फिर घर आए तो घर में क्या बात हुई?
कुछ नहीं, मैं बोला ही नहीं। इसको खाना वाना बड़ी लड़की देती थी, देती थी ना भाई? हाँ, खाना देती थी। मैंने आगे ये लोग किसी से मैं बोलता भी नहीं था। मैंने आगे अब खाना बना के खाता भी नहीं था खाना, आगे दे देती थी। मैंने आगे रख देती थी मैंने आगे, क्योंकि मतलब के वो सब राशन पानी मैंने आके वो लोग खरीदा था मैंने आगे, तो मैं मतलब के उस चीज को हाथ भी नहीं लगाता था। तो उसको खाना ले आके देना, लड़के दे हम बोला नहीं, सेवा कर रही थी ना सेवा सर। मैंने आपके उससे कहा, मैंने आगे बताइए हम लड़के खाए नहीं, मैंने कहा आप ले आके दे रहे हैं। मैंने आगे तो हमको एक ही बताओ, मान लो बच गए तो दोबारा हमला कर दोगे तुम? तो नहीं सर। क्यों, जो गुस्सा है वो तो बरकरार है, दिख रहा है अभी भी गुस्सा दिख रहा है? सर नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों पछतावा, बोलो सही किए तो बोल रहे हो। तुम्हारे हिसाब से क्यों गलत किए तुम? क्या गलत, गलती क्या है तुम्हारी? तुम्हारी क्या गलती है? तुमको और क्या कर सकते थे तुम बताओ? मान लो यदि हमला नहीं करते तो और क्या कर सकते थे तुमसे अच्छा तुम्हारे हिसाब से? कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता था, मुझे यही करना पड़ता और तुम उपाय नहीं था। इससे पहले किसी परिवार के अपने जो साथी या अपने बड़े भाई उनसे सलाह नहीं ली कि मैं इस तरह मानसिक वेदना में क्या करूँ क्या ना करूँ? ये तो मानसिक वेदना से मैंने आके एक साल से मैं प्रताड़ित हूँ। मैंने आके कोई मैंने आके चीज में आके बोलने जाइए मैंने आके कि हाँ ये लड़की गलत कर रही है मैंने आके, तो मतलब कि उल्टा वो उसको कवर अप करके आपसे लड़ाई करे। मैंने आके आपकी वाइफ चाहे मैंने आके किसी को हो तो मैंने किसको तकलीफ नहीं लगेगा। तुम्हारे हिसाब से जिसकी लड़की बात ना माने उसको तलवार तुम्हारी तरह उठा के काट देना चाहिए। उसी पर थाना क्षेत्र में आज एक जघन्य अपराध में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और तीन बच्चियों के ऊपर धारदार तलवार से 15-20 मिनट तक अंधाधुंध हमला किया। इसकी बड़ी बेटी एक वर्ष पूर्व बगल के ही लड़के रहने वाले लड़के से प्रेम प्रसंग में शादी किया था, इससे ये काफ़ी नाराज था। अभी ये गुजरात गया, इसने ट्रेलर खरीदा था 10 लाख रुपए में और ट्रेलर से ये गुजरात गया हुआ था। वहाँ इसे मालूम चला कि वो बड़ी बेटी फिर से आके घर में साथ रहने लगी है और तीनों बच्चियां और पत्नी जो हैं वो उसी का सपोर्ट कर रही हैं। इससे वो आग बबूला हो गया। जैसे ही वो संडे को वापस आया उसने अपनी 8 साल पुरानी तलवार को धार लग 4 घंटे तक धारदार बनवाया और उसने उस बंदे को भी बताया जो धार करने वाला था कि इसको बिल्कुल धारदार बनाना है, और उससे उसने उसको घर में छिपा दिया अपने बेड के नीचे। कल रात वो 4 बजे उठा और उसके बाद सोए हुए हालत में इस धारदार तलवार से अपनी पत्नी और तीनों बेटियों के ऊपर 15-20 मिनट तक हमला करते रहा। सभी को 10 से 12 गंभीर चोटें, इनसाइज्ड डीप वुंड जो है वो हुआ है। जब इस मारधार की आवाज़ सुनते ही, चीख चिल्लाहट की आवाज़ सुनते ही आसपास वाले लोग जमा होने लगे और घर में घुसने लगे तो इसने डर के मारे पीछे ताला खोल के पीछे वाले दरवाजे से भागने में सफल रहा। इसके दामाद द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस 15 मिनट के अंदर 4:45 बजे वहाँ पहुँची। चारों इंजर्ड को पहले सुपेला हॉस्पिटल, नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ जाते तक एक मंजरी बेटी जो है वो तो देहांत हो गया। फिर बाकी पत्नी और दो बेटियों को पहले दुर्ग अस्पताल, जिला अस्पताल और वहाँ से शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया। तीनों सही समय पर उनको मेडिकल इलाज मिलने से उनकी जान बच सकती है। जो आरोपी है उसको कोई ग्लानी नहीं है, वो अपने ईगो के कारण इन चारों को ख़त्म करना चाहता था। उसके ऊपर अपनी बच्चियों और पत्नी से नफरत इस गुमार से हो गया था कि वो उनको मारने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अभी भी इसे कोई ग्लानी नहीं है और अभी भी इसकी इच्छा है कि बचे हुओं की भी हत्या कर दी जाए। अब पुलिस ने इसको तुरंत गिरफ्तार किया। आधे घंटे के अंदर इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और जो बाकी जो लोग बचेंगे उनको भी पुलिस नज़र रखेगी कि दोबारा उनके ऊपर इस तरह का जघन्य हमला दोबारा ना कर सकते।